हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मैकेनिकल जॉब्स दोस्तों आज एक और लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं तो फ्रेंड वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है जो फाइव हंड्रेड फॉर्चीन कंपनी में आती है अमेरिकन मल्टीनेशनल जिसका नेम है इमर्सन तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर कंपनी में लगी है तो वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी वैकेंसीज लगी है और हमारे इंडिया के अंदर भी सो तो दोस्तों ये पूरी वीडियो आप पूरा देख लेना उसके बाद जितनी भी आपको वैकेंसीज है यहाँ पर मैं दिखा दूंगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होगा जैसे ही लिंक को आप क्लिक करेंगे तो इनके करियर्स के पेज पर पहुँच जाएंगे इमर्शन के ठीक है फ्रेंड यहाँ पर आप मैं आप देख सकते हैं इनके पेज पे करियर्स का सर्च का ये पेज है तो आपने किस तरह सर्चिंग करनी है मैं आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ जैसे आप करियर्स क्लिक करके करियर्स के पेज पे आएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 191 वैकेंसीज यहाँ पर लगी हैं फ्रेंड ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया के लिए वैकेंसी लगी है वो ये है सेक्शन मैनेजर और एकल डब्ल्यू एम एस फंक्शनल कंसल्टेंट ठीक है जो तीन मार्च को ही वैकेंसी आई है पुणे महाराष्ट्र के लिए फिर नेक्स्ट वैकेंसी है जो है गैस टर्बाइन कंट्रोल इंजीनियर ये उत्तर प्रदेश में है नोएडा ठीक है दिल्ली एनसीआर का पार्ट है वहाँ के लिए वैकेंसी है जो सेकेंड ऑफ मार्च को आई है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको इसके बारे में बता देता हूँ ठीक है फ्रेंड तो पेज ओपन हो रहा है ये हाँ जी तो ओपन हो चुका है ये पेज आप देख सकते हैं सेकेंड ऑफ मार्च को आई है जॉब फंक्शन है इंजीनियरिंग है रिक्वेशन आईडी भी देख सकते हैं टू वन जीरो जीरो टू एट नाइन सिक्स ठीक है तो आप देख सकते हैं द मेंबर ऑफ टीम ओरिएंटेड टर्बाइन सॉल्यूशन ग्रुप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर Software design implementation and test function responsibility will include providing technical leadership and innovative thinking in the development of testing of turbine control retrofit systems. Duties require experience with Siemens, Westinghouse, and General Electric heavy duty combustion turbine controls with accompanying knowledge of dry low, NOx, and low emission combustor control algorithm. ठीक है फैंड यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस जॉब है अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम फॉर गैस ट्रबाइन पावर प्लांट्स एंड डेवलप इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट न्यू कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ओवेशन एंगेज इन इंजीनियरिंग इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेजिज ऑफ गैस ट्रबाइन कंट्रोल प्रोजेक्ट प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग डिजाइन रिव्यू प्री फैट फैट कमिश्निंग एक्टिविटीज आफ्टर सेल्स सपोर्ट फॉर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन स्पोर्ट ट्रेनिंग ऑफ कस्टमर्स विद कोर्स मटेरियल एंड क्लासरूम टीचिंग कलेक्शन ऑफ इनपुट कॉन्सेप्ट फाइनलाइजेशन प्रिपेशन ऑफ इनपुट आउटपुट लिस्ट डाटाबेस स्पोर्ट लीड इंजीनियर ऑन ऑल अबव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते लीड प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट इन इंटरनल किक ऑफ मीटिंग के ओ एम ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉर्डिनेट विद यू लीडर इंजीनियर फॉर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एंड ग्राफिक्स ट्रैक प्रोजेक्ट बजट प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ़ दी प्रोजेक्ट एंड एंश्योर पेरियोडिक रिपोर्टिंग टू कंट्रो फ्रंट ऑफिस ठीक है फ्रेंड यहाँ पर जो है बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं दो से छ साल का एक्सपीरियंस मांगे इन गैस ट्रबाइल कंट्रोल सिस्टम में ठीक है ये एक्सपीरियंसड वैकेंसी है टॉप मोस्ट कंपनी है मैं यहाँ पर तभी लेके आया हूँ कि हमारे एक्सपीरियंसड कैंडिडेट भी इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें ये हमारे इंडिया में ही है ओपन है नोएडा के लिए है, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ और भी आपके सामने जो वैकेंसीज़ है यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो नेक्स्ट है फ्रेंड आप देख सकते हैं दोनों लगी हुई हैं टर्बाइन मकैनिकल इंजीनियर और नीचे इसके दिया हुआ टर्बाइन मकैनिकली ये दोनों वैकेंसीज यहीं पर ही नोएडा में उत्तर प्रदेश में ओपन है अलग अलग आई डी है तो दो यहाँ पर वैकेंसीज इसकी रहेंगी ठीक है तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है आप देख सकते हैं इसके लिए The successful candidate will be essential part of hydro and mechanical solution group with engineering and field support responsibility for turbine mechanical solution mainly in the North American power industry. So par kya additional information mein aapka kaam? create 3D models and assembling during software packages such as inventor and Pro engineer. create 2D drawings using design packaging such as AutoCAD, capture 3d cloud data using cmm equipment such as faro quantum or focus m70, perform post-processing of 3d point cloud data to be used for design engineering function, capable of selecting and sizing of hydraulic components such as valves, cylinders, servos, pumps, logic valves, etc., demonstrate the ability to understand and follow a set of mechanical and electrical installation, calibration, and testing instruction. कैपेबल ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग फेब्रिकेटेड मशीन एंड हाइड्रोलिक न्यूमेटिक इक्विपमेंट प्रोवाइड टेक्निकल डायरेक्शन टू क्राफ्ट लेबर एट इंडस्ट्रियल साइट ठीक है फ्रेंड आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आप देख सकते हैं फोर ईयर्स आपकी मकैनिकल डिग्री यहाँ पर मांगी है पाँच से दस साल का भी अगर आपको एक्सपीरियंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन जॉब तो चलिए आगे चलेंगे जो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ सेम जो है जो नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई हुई है टर्बाइन मैकेनिकल इंजीनियर के भी सेम अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड आगे रहेगी जो है हाइड्रो कंट्रोल इंजीनियर की वैकेंसी है जो सेकेंड ऑफ मार्च को ही आई है यहाँ पर ठीक है तो ओपन हो रहा है पेज यहाँ पर ठीक है फ्रेंड तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये पेज हाँ जी तो ओपन हो चुका है अभी ये ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रो कंट्रोल इंजीनियर के लिए जो पोस्टिंग डेट भी सेकेंड ऑफ मार्च है क्या डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं हाइड्रो इंजीनियर इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रो कंट्रोल डिज़ाइन ऑफ डी सी से रेट्रोफिट प्रोजेक्ट्स एंगेज इन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग फेजिज ऑफ हाइड्रो कंट्रोल डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स एंगेज इन हाइड्रो पावर स्टार्टअप्स कमिश्निंग एंड ट्यूनिंग ठीक है सो ड्यूटीज़ एंड रिस्पांस अकाउंटेबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं साइड वॉक डाउन फॉर साइड सर्विस एंड डाटा कलेक्शन डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रो कंट्रोल्स एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स प्रोसेस सिमुलेशन एंड टेस्टिंग प्री फैट फैट एंड क्लीन अप आफ्टर फैट वेरीफिकेशन एंड फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेसिस टू फील्ड डिवाइसिस आईओ डा डाटा बेस पार्टी पासनिंग फॉर रिडनसेंसी एंड फेल सेफ कन्फिग्रेशन हाइड्रो कंट्रोल कमिश्निंग स्टार्टअप एंड ट्यूनिंग परफॉर्मेंस गारंटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट तो फ्रेंड इस तरह की जो है आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी तो यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ठीक है सो इंस्ट्रूमेंटेशन electronic so, वाले जितने भी हमारे यहाँ पर कैंडिडेट हैं या आई वाले हैं तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको यहाँ पर मिनिमम सेवन ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा और मैक्सिमम ट्वेल्व ईयर्स तो बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ पर कंपनी की ओर से दिया जाएगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और भी जो चीज़ें हैं आप सारी इसके रिलेटेड देख सकते हैं कंपनी ने क्या क्या यहाँ पर मांगा हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पर अब बैक कर दूँगा और इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स की पोजीशन है सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर के ओ बी थ्री सेल्स तो सेल्स वाले भी हमारे कैंडिडेट को अगर देख रहे हैं वीडियो के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट अकाउंटिंग की यहाँ पर जॉब लगी है बी एस सी एम की लगी है सैप सीनियर बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर की लगी है ठीक है सैप सीनियर फीको एनालिस्ट है ये सब मोस्टली एक्सपीरियंस जॉब्स हैं जो काफ़ी अच्छे पैकेज में यहाँ पर लगी हुई हैं ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेबी आई है ये ऑलमोस्ट सभी जो सेप से रिलेटेड वैकेंसीज आई तो अब आगे है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट और एकल मैनुफैक्चरिंग की है सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है ठीक है तो काफ़ी ये जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है आईटी स्पेशलिस्ट स्पेशली सैप एम एम डब्ल्यू कंसल्टेंट की यहाँ पर लगी है आर प्रोजेक्ट इंजीनियर की लगी है तो मैं आगे जाऊँगा और भी वैकेंसीज हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ ऑलमोस्ट वन नाइनटी वैकेंसीज है कुछ टू थाउजेंड ट्वेंटी की भी हैं पड़ी यहाँ पर जो अभी तक फिल नहीं हुई हैं तो फ्रेंड आप अगर आप पूरी यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि मैं सारे तो चीज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर आके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पे पहुंच जाएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आ गया हूँ जो आगे वैकेंसीज है वो है सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर सस्टेनेंस इंजीनियरिंग क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर जो कि सेवनटीन ऑफ फेब को ही आई है क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर टी एस सी एम एच सी एल कमर्स डिवेलपर डी सी एक्स मैनेजर रीजनल सेल्स चाहिए वेस्ट के लिए ठीक है तो बी ए मैन्यूफैक्चरिंग यहाँ पर चाहिए चंडीगढ़ के लिए वैकेंसी है फ्रेंड डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पर चाहिए डायरेक्टर पोस्ट है काफ़ी हायर पोस्ट है ठीक है तो फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पर पोस्ट लगी हुई है ठीक है सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेड ठीक है फ्रेंड तो ये है महाराष्ट्र के लिए पोस्ट है काफ़ी अच्छी है ये पोस्ट तो इसके लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं हमारे कैंडिडेट इससे रिलेटेड आप तो आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिस मैटर करेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो आगे चलेंगे मैं और जो है ठीक है एक जो पोस्ट है यहाँ पर इंजीनियर एनालिटिकल फ्लो तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड तो मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर तो फ्रेंड जो आगे वैकेंसी रहेगी वो है हम एक पार्ट आगे आ गए हैं तो हम थ्री पे चलेंगे यहाँ पर प्रीवियस मैंने कर दिया मैं एक पार्ट आगे चला गया था ठीक है तो क्योंकि वहाँ पर हमारे मैकेनिकल से लेटी वहाँ पर वैकेंसी लगी हुई है फ्रेंड तो थोड़ा पेज रीलोड होने में यहाँ पर टाइम लगता है इसको ठीक है फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एट्थ ऑफ जेन को यह वैकेंसी है, है ये ओपन पड़ी है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की पुणे महाराष्ट्र के लिए ठीक है आईडी दोनों के अलग अलग आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैं जैसे ही इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये पेज ओपन हो रहा है जस्ट थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वेबसाइट है काफ़ी हैवी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड एट ऑफ जेन को ही आई मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की रिस्पांसिबल फॉर मैकेनिकल डिजाइन ड्राइंग फॉर्म इनिशियल कॉन्सेप्शन थ्रू कंस्ट्रक्शन एंड एज बिल्ड ड्राइंग्स इंश्योरिंग डिजाइन इज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनल गाइडलाइंस एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड ही शुड बी कन्वर्सेंट विद नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सो प्रोवाइड टेक्निकल स्पॉट फॉर ड्राॅइंग टू दिल्स एंड एप्लीकेशन टीम्स A review applicable client technical specification and standard example piping class piping and structural design set up project pipe class in 3d cad software preferably cad works before commencing 3d model in ga drawing prepare 3d cad model and p and id and general arrangement drawings डिज़ाइन रिव्यू थ्री डी कैड मॉडल इन नैिक्स वर्क एप्लीकेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्स ठीक है फैन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है जिसको कम एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी है दी फील्ड ऑफ पाइपिंग ऑयल एंड गैस एंड प्रोसेस इंडस्ट्री तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको किस किस सॉफ्टवेयर की नॉलेज आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ठीक है ऑटो कैड से रिलेटेड अगर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है पाइपिंग इंडस्ट्री में आपने काम किए हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है यहाँ पर जिनके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस है दो या तीन साल का तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर बैक कर दिया तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की सेम इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर ई इंजीनियर ठीक है तो यहाँ पर भी मैं इसके लिए दिखा देता हूँ ये भी दो वैकेंसीज यहाँ पर लगी हैं तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ई एंड आई डिजाइन इंजीनियरिंग ऑफ मेट्रॉजी एंड ब्लैंडिंग एंड ट्रांसफर सिस्टम सो इंश्योर डिजाइन इज अकॉर्डिंग विद इंटरनल गाइडलाइंस एंड कस्टमर स्पेसिफिकेशन कोऑर्डिनेट विद मैकेनिकल एंड क्वालिटी फंक्शंस फॉर इक्वलाइेशन ऑफ इंटरलेटेड वर्क सो गुड नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लीड्स एंड गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसिज सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं फ्रेंड रिव्यू और कस्टमर स्पेसिफिकेशन इनपुट्स एंड आइडेंटिफाई स्को फॉलो द डिपार्टमेंट एंड PMO processes generate project documents and drawings, engineering design, freeze of project, basic design, instrument journal, arrangement drawing, and bill of materials. Customer engagement, which include customer QM and customer queries, A resolving deviation to specification, ensure quality of the project documentation. प्रिपेयर इंक्वायरी डाटाशीट मटेरियल रिक्वेशन फॉर लॉन्ग लीड आइटम सर्व वेंडर ऑफर रिव्यू एंड सर्व वेंडर ड्राॅइंग डॉमेंट रिव्यू ठीक है फैंड इसके बाद भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट कंपनी ने मांगी है बैचलर डिग्री आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में है ठीक है मिनिमम फोर ईयर्यस एक्सपीरियंस इन पाइपिंग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो और भी आप जो यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट कंपनी ने मांगा है मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ और भी जो वैकेंसीज हैं इसके आगे भी ए e की लगी है फिर सीनियर मकैनिकल इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी लगी है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो ऑटोमेटेशन टेस्टर की लगी है यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर की है ठीक है तो फंड काफ़ी वैकेंसीज़ जो रहेंगी अभी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर 2020 में हम आ गए हैं तो ये भी अभी ओपन वैकेंसीज़ हैं कंपनी में जो अभी फिल नहीं हुई है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर ठीक है जिनको क्लाउड ईआरपी आर पी से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस है तो इसके लिए कर सकते हैं एक वैकेंसी जो ओपन है वो है कैड डिज़ाइनर की वैकेंसी है यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये ट्वेंटी वन ऑफ दिसंबर को ही लगी थी तो अभी तक ओपन पड़ी है कंपनी में तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा फायदा होगा देखो कैड कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैसे कंपनी यहाँ पर रखेगी मस्ट हैव गुड एनएक्स कैड मॉडलिंग टूल एक्सपीरियंस अगर आपको है सॉलिड वर्कस में एक्सपीरियंस है ठीक है तो कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस मांगा ठीक है तो आपको मैं बता देता हूँ ये वन टू टू ईयर्स जो है वन टू टू ईयर्स कंपनी ने यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है मांगा है ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी सिक्स मंथ्स की थी बट कंपनी ने ये पोजीशन स्टार्ट करनी थी ठीक है जेन में जो अभी तक यहाँ पर ओपन पड़ी है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट सिक्स मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है ठीक है तो उसमें यह है कि आपको काफ़ी कुछ एक टैग लग जाएगा कि चलो आपने सिक्स मंथ्स भी काम किया है कंपनी में तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल सकता है पर होपफुली अगर आप काम ज़्यादा करते हो तो कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब्स होती है आगे बढ़ जाती है क्योंकि इस तरह आपका क्या होता है एक कंपनी में जाकर अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है जिससे वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं आपके काम को देख के आपके प्रोफाइल को जो है आगे बढ़ा देते हैं मतलब जो आपकी पोजिशन होगी उसको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेवल होगा आगे बढ़ा देंगे और आपको फुल टाइम वहाँ भी काम मिल सकता है ठीक है तो पोजीशन जो स्टार्ट होनी थी जेन 2021 से तो ये ओपन पड़ी है तो आप अभी तो मार्च आ गया है तो इसके लिए अगर आप चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो सो so, दोस्तों ये थी आज की जो वैकेंसी थी ठीक है तो इमर्सन के बारे में भी आप देख सकते हैं नीचे लिखा है फॉर्च्यून 500 कंपनी विद 18.4 बिलियन इन सेल्स एंड मोर देन 20 इनोवेशन सोल्यूशन है इंजीनियरिंग सेंटर एंड टू हंड्रेड मैनुफैक्चरिंग लोकेशन वर्ल्ड वाइड तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी कंपनी है इसके लिए एक्सपीरियंसड वैकेंसीज ऑलमोस्ट लगी हैं यहाँ पर सारी तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सही समय पर पा सकते हैं सो तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे